हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर सो so फ्रेंड्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं क्या फंक्शन है क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा क्योंकि ये वीडियो में ही आपके तीनों के तीनों जो सब टॉपिक्स हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ये कम्प्लीट होने वाले हैं सो so देखिए लाइब्रेरी का जो इनिशियल वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ठीक है तो वो आप चेक कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक पर डाल दूंगी तो वहाँ से आप उसको ईजिली असेस कर सकते हैं सो so, सबसे पहले देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है लाइब्रेरी में कितने सारी बुक्स होती हैं कितने टाइप्स की बुक्स होती हैं ठीक है शेल्फ होती हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं इंसाइक्लोपीडिया होता है न्यूज़पेपर होता है कौन सी क्लास का मटेरियल चाहिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखना ज़रूरी है ताकि बुक अच्छे से असेस की जाए उसका प्रॉपर uh, यूज़ किया जा सके ठीक है सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है इट इज़ अडेप्टन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट टू द लाइब्रेरी सिचुएशंस तो इसमें क्या कुछ इंक्लूड करता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग एंड गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स जो भी लाइब्रेरी की हेड होते हैं ठीक है उनके अंडर जो स्टाफ होता है उनको कौन कौन सा काम असाइन करना है ठीक है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कैसे कोऑर्डिनेशन बिठानी है सारी चीज़ों को मैनेज करना लाइब्रेरी मैनेजमेंट कहते हैं तो बेसिकली इसके जो फाइव फंडामेंटल फंक्शंस है हम आगे देखेंगे वैसे ठीक है तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं लाइब्रेरीज़ हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फैसिलिटेटिंग टू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्निंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ठीक है तो लाइब्रेरी में ऐसा मटीरियल होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी लर्निंग को बेटर करती है एजुकेशन को बेटर करती है चाहे हमने ट्रेनिंग करनी है इसके अलावा भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो भी हम लाइब्रेरीज़ की हेल्प ले सकते हैं तो ये सारा मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है लाइब्रेरी में से तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल मटेरियल यहाँ पे क्या होगा एक तो होगा इंफॉर्मेशन सोर्सेज देन इज मशीनरी देन इज ह्यूमन रिसोर्स जो हम कहते हैं कि जो सब स्टाफ होता है लाइब्रेरी हेड के अंडर उसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड मनी टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है ना बेसिकली वो क्या है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल मटेरियल हर तरह क्या ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स ठीक है तो ह्यूमन रिसोर्सिस में आ जाएगा जो आपका स्टाफ है नॉन ह्यूमन रिसोर्स में सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी है एंड मनी जो उसमें यूज होगी लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दस लाइब्रेरियन एज मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अब देखिए हेनरी फेयोल ने जो इसके फाइव मेन फंक्शंस दिए हैं हम दो तरह के फंक्शंस देखेंगे सबसे पहले हम हेनरी फेयोल ने जो इसके बहुत हम कहते हैं कि एक्सपाउंडेड प्रिंसिपल्स और फंक्शंस इन्होंने दिए हैं तो वो क्या है सबसे पहले है प्लानिंग ठीक है कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं हमें ट्रिप पर भी जाना होता है ना तो भी हम प्लानिंग करते हैं कि क्या कुछ लेकर जाएंगे क्या कुछ हमारे काम आएगा किस चीज की जरूरत है है ना तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में भी सबसे पहला फंक्शन क्या है प्लानिंग प्लानिंग में क्या कुछ आता है फॉर्मुलेशन ऑफ जो गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइब्रेरी के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है स्ट्रेटजीज प्लान करना पॉलिसीज इफेक्टिव प्लानिंग के अंदर ये आती हैं देन इज ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स डिपार्टमेंटेशन ठीक है डिपार्टमेंट्स बनाना हर चीज़ के अब देखिए अगर हम बेसिकली स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो वो शायद इतनी बड़ी ना हो कॉलेज लाइब्रेरी तक जाए तो वो और ज़्यादा एनहांस होगी क्योंकि इतनी सारी स्ट्रीम्स होती हैं सभी स्ट्रीम की अलग अलग बुक्स होती हैं लैंग्वेजेस सी जावा जावास्क्रिप्ट हर लैंग्वेज में इतने सारे राइटर्स है, हैं पब्लिकेशंस हैं क्लियर तो उसकी डिपार्टमेंटेशन होनी स्टाफ के अलग अलग फंक्शन होने उसको डिसेंट्रलाइज करना ठीक है कमेटीज होनी देन ग्रुप डिसीजन लेने कि कोई न्यू बुक लॉन्च हुई है या फिर नया टेक्स्ट ऐड हुआ है नए रिसर्च पेपर्स आए हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है example, तो ये सारा कुछ ग्रुप में सॉरी uh, लाइब्रेरी में इंक्लूड किस तरह से किया जाए देन इज इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद है स्टाफिंग अब देखिए स्टाफ ही तो सारा काम करता है तो सिलेक्शन ऑफ स्टाफ जॉब उसके डिस्क्राइब करना कि आपने कौन से टाइप का काम करना है अपॉइंटिंग पर्सोनल देन अप्रेजल डेवलपिंग लाइब्रेरी मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी कि स्टाफिंग में क्या होता है कि आप एक तो स्टाफ को सिलेक्ट करना फिर उनको उनकी जॉब डिस्क्राइब करना ठीक है उनको जॉब असाइन करना ये होता है स्टाफिंग के अंदर देन इज लीडिंग अब जो सारा काम आपने असाइन कर दिया है अब उसको वर्किंग मोड में लेकर आना यानी कि कॉर्डिनेशन बिठाना हर चीज के अंदर जैसे हम कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट जो है इंटर रिलेटेड होते हैं तो उनमें कॉर्डिनेशन किस तरह से बिठाई जाए अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट डील्स विद ओनली लाइब्रेरी लाइब्रेरी के रिलेटेड जो भी फंक्शन है तो उनमें कॉर्डिनेशन बिठाना उसको हम कहते हैं लीडिंग क्लियर तो उसमें आप देख सकते हैं इट डील्स विद ह्यूमन फैक्टर मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग में क्या आ जाता है इट इंक्लूड सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोल टेक्निक्स कंट्रोल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिव मैनेजिंग अब इसके देखिए अगर हम बात करें लूथर ग्यूलिक एंड अरविक ने भी अपने सेवन जो हैं इसमें एलिमेंट्स कह लो या फिर फिर इसके जो आ, प्रिंसिप फंक्शन हैं ठीक है थीके? वो बताए हैं तो पहले है प्लानिंग प्लानिंग में क्या आएगा वर्किंग आउट इन ब्रॉड आउटलाइन द एक्टिविटीज दैट नीड टू बी डन वो ही जो उसके एम्स हैं या फिर क्या करना है उस चीज़ के रिलेटेड लाइब्रेरी को प्रॉपर वे से चलाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है ठीक है मेथड्स कौन से यूज किए जाने चाहिए ताकि जो पर्पज़ है हमारा वो अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का देन इज ऑर्गेनाइजिंग जब प्लानिंग होगी फिर चीजों को ऑर्गेइज करना काम को डिवाइड कर देना हम कहते हैं सेक्शन और डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंजड ठीक है उसको डिवाइडेशन करनी फिर काम ईजी हो जाता ना जब काम बांटा जाता है देन इज स्टाफिंग स्टाफिंग इज द होल परसोनल फंक्शन ऑफ ब्रिंकिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ इन मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क फिर स्टाफ को अलॉट करना उनको अपना काम समझाना ये है थर्ड नंबर पर देन इज डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग मीन्स की हर पर्सन को अपना टास्क असाइन कर देना इज द कॉन्टिन्यूस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड इन स्पेसिफिक एंड जनरल ऑर्डर जो भी डिसीजन हम लेते हैं प्लानिंग करते हैं ये देखिए ये एक ना लूप में चलता है ये सेवन के सेवन हम जो डिस्कस करेंगे जब ये सेवन हम कहते हैं कि कंप्लीट हो गए फिर फर्स्ट पे स्टार्ट हो जाएगा प्लानिंग होगी फिर उस चीज के रिलेटेड स्टाफिंग होगी एंड सो ऑन ठीक है देन देखिए है कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन इज द ऑल इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटर रिलेटिंग दस्पेक्ट ऑफ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ताकि सारा जो सिस्टम है प्रॉपर से रन कर सके विद कोऑर्डिनेशन ठीक है हर किसी का काम इंपॉर्टेंट होता है तो कोऑर्डिनेशन के साथ रन करना इंपॉर्टेंट है देन इज रिपोर्टिंग जो चीज में दिक्कत आ रही है कोई नई इंफॉर्मेशन आई है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना या फिर जो भी सब समझ लीजिए ये हेड है इनके अंदर लाइब्रेरी में अलग अलग जो सब आ, इनके स्टाफ असाइन किए हैं तो ये सारे जो हैं स्टाफ वन स्टाफ टू थ्री एंड फोर ये रिपोर्ट किसको करेंगे अपनी हेड को कि ये सारे इश्यूज हैं या नई अचीवमेंट्स हैं कोई रिकॉर्ड्स हैं कोई रिसर्च पेपर्स हैं तो ये इनको रिपोर्ट करेंगे देन इज बजटिंग बजट देखना जरूरी है ताकि हमारा जो बजट असाइन है लाइब्रेरी के लिए वो एक्सीड ना हो और उसी के दायरे के अंदर रहते हुए सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइब्रेरी की वो एक्म्प्लिश की जा सके अब देखिए जो हेनरी फेल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के यही प्रिंसिपल्स आपने लर्न करने हैं यहाँ पे आपने लर्न क्या करना है सिर्फ इसके जो मेन नेम्स है मटेरियल आप इसके अंदर डेफिनेटली लिख सकते हैं सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है डिवीजन ऑफ वर्क देखिए अगर हम जैसे मैंने बोला कि स्कूल की लाइब्रेरी है तो वन मैन लाइब्रेरी वहाँ पे सफिशेंट होता है कि एक लाइब्रेरियन है वही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं लेकिन अगर हम बात करें बड़ी लाइब्रेरी की कोई प्रोफेशनल लाइब्रेरीज होती हैं या फिर कॉलेज लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर तो वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है ताकि लाइब्रेरी का जो फंक्शन है वो अच्छे से हो पाए क्लियर एक बंदे को आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो कैसे होगा जैसे हम कंट्री की बात करें तो सबसे पहले हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिर प्रेसिडेंट हैं फिर स्टेट्स के अलग से गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं ताकि काम डिवाइड हो पाए और ये अपने हेड को वो अपने हेड को रिपोर्ट कर पाए ठीक है चीज़ों के रिलेटेड देन सेकेंड क्या है अथॉरिटी किसको किस तरह की अथॉरिटी असाइन करनी है जो जॉब किसको किस तरह का जॉब असाइन करना है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ठीक है जो इक्वल लेवल के जॉब हैं उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ठीक है अगर वो चीज़ कहीं नहीं हो पा रही तो उनसे वो जॉब वापस ले ली जाए उनको कोई और किसी को जॉब देने की अथॉरिटी है या फिर इज द डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बिना देखिए कहीं भी कोई भी काम नहीं होता और लाइब्रेरी का मेन जो प्रिंसिपल है वो है ही डिसिप्लिन है ना इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी कंप्लीट ओबीडियंस डिलीजेंस हम कहते हैं कि इसमें पूरी जी जान लगाकर लाइब्रेरी को मैनेज करके रखना है क्योंकि यहाँ पर बुक्स में बुक्स पढ़ने के लिए टीचर्स आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं ठीक है कितने रिसर्च पेपर्स होते हैं एक भी चीज़ वहाँ से इधर की उधर हो गई हम कहते हैं वो चीज़ लाइब्रेरी में ही है लेकिन अगर वो टाइम पर किसी के हाथ ना लगी पढ़ने के लिए तो क्या बेनिफिट उस चीज़ का तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे देन इज द यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड देखिए एन एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू एंड ऑल्सो रिसीव ऑर्डर फ्राम ओनली वन सुपीरियर अब कमांड अगर कोई ले रहा है ठीक है ऐसे नहीं है कि वो समझे कि ये बड़ा आया मेरे को कमांड देने वाला इस तरह से नहीं ठीक है आप किसी के अंडर काम करते हैं तो इंस्ट्रक्शन उसके फॉलो करनी जरूरी है लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी पर्सन है वो एक ही के अंडर एक ही सुपीरियर के अंडर काम करेगा ऐसे नहीं है कि एक बंदे के दस हेड हैं जिसको उसने रिपोर्ट करना है ऐसे काम नहीं चलेगा तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए नेक्स्ट है यूनिटी इन डायरेक्शन यूनिटी इन डायरेक्शन अब फेऑल क्या कहते हैं कि वन मैनेजर एंड वन प्लेन फॉर ऑल द ऑपरेशन विच द सेम ऑब्जेक्टिव इन व्यू यूनिटी इन डायरेक्शन मीन्स कि डायरेक्शन होनी चाहिए सभी पर्सन की कि डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए कि लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वो चलना चाहिए ये डायरेक्शन हो सभी की ठीक है तो इसलिए यूनिटी इन डायरेक्शन

इम्प्रूव कर पाए बेहतर तरीके से चल पाए यहां पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है लाइब्रेरी है ठीक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट है तो उसी के ग्रोथ और उसी के डेवलपमेंट की तरफ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि है जनरल इंटरेस्ट देन इज री नेशन सैलरीज टू एम्प्लॉयज एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट शुड बी इनफ कंपेरेबल टू अदर स्टाफ ऑफ द पेरेंट बॉडी विद इक्वल एंड क्वालिफिकेशन अब ऐसे नहीं है कि अगर हम सोचे लाइब्रेरी का काम है तो ये कम मेहनत का है इनको कम सैलरी दे दो नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए कंपेरेबल सैलरी मिलनी चाहिए जिस तरह की क्वालिफिकेशन का दूसरा पर्सन काम करे उसको जो सैलरी मिल रही है ठीक है वही टाइप की वही आ, हम कहते हैं ऑर्डर की सैलरी लाइब्रेरी के स्टाफ को भी मिलनी चाहिए देन इज द सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेसिकली अगर जनरली देखें तो किसी चीज़ को सेंट्रल पॉइंट पर लेकर आना कोई इंफॉर्मेशन है ये पर्सन भी असेस कर सकते हैं ठीक है ठीके? इसको सेंटर पॉइंट पर लेकर आना सेंट्रलाइज करना यहाँ पर देखिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज डिपेंडिंग अपॉन द लोकल सिचुएशन तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इसको किस तरह से सेंट्रलाइज करना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन करनी है वो देखा जाता है कि यह स्कूल लेवल पर है यूनिवर्सिटी लेवल पर है या फिर कोई और हायर लेवल पर इसका फंक्शन है। स्केलर चेन अब देखिए स्केलर चेन में क्या होता है ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी अथॉरिटी uh, है उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है ना वो अनब्रोकन लाइन में चलनी चाहिए फ्रॉम हायर हाइस्ट एग्जीक्यूटिव टू लोएस्ट रैंक यानी कि प्रॉपर एक चेन चले इसके रिलेटेड ऐसे नहीं है कि कहा कहीं पे ब्रेक हो गया या फिर अगर दस बंदे ठीक है लाइब्रेरी में अंडर की अंडर अंडर के अंडर काम कर रहे हैं एक चेन में काम कर रहे हैं तो कोई एक अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं कर रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए प्रॉपर जो चेन है वो सिस्टमैटिक चलनी चाहिए देन इज ऑर्डर ऑर्डर रेफर्स टू द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट टू अचीव मोस्ट एफिशेंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम है वो ऑर्डरली तरीके से होना चाहिए फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि सपोज ये एक रैक है या हम इसको शेल्व कहते हैं यहाँ पर सारी इंसाइक्लोपीडिया पड़ी हैं तो ठीक है तो यहाँ पर इसका कैटलॉग है तो कैटलॉग का जो सेक्शन है ना वो उसके रैक के साथ ही बना दिया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइज हो जाए कि बंदा यहीं से कैटलॉग देखे और उसके साथ ही वो अपना जो बुक्स देखनी है उन्होंने वो वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं देन इज इक्विटी इक्विटी क्या कहती है कि अब तो देखिए सबसे पहले क्या कि इक्वालिटी के साथ सभी को देखा जाना चाहिए देन इक्विटी की एक तरह के लोग हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए इक्वल एजुकेशन uh, के बेस पर होना चाहिए सैलरी स्केल्स मस्ट भी बेस्ड ऑन एजुकेशन एबिलिटी एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है कि अगर हम कह दें कि कोई सेम एजुकेशन का पर्सन है ठीक है तो एक जाना सिफारिश के साथ आ गए तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी इस तरह की पार्शालिटी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इक्विटी एंड इक्वालिटी बोथ शुड बी देयर देन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन कितने टाइम तक पर्सन काम करेगा टेन योर मीन टाइम ड्यूरेशन द प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द स्टाफ्स बेनिफिट देयर शुड बी स्टेबल एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है हम कहते हैं ना कि कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले आप साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है तो वो टेनयोअर स्टेबल होना चाहिए ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी आप शिफ्ट कर देते हो अगर आपको जॉब का किसी पर्सन का काम पसंद नहीं आ रहा उसको टाइम दो ठीक है उसको ट्रेनिंग दो ऐसे नहीं है कि सीधा उसको रेस्टिकेट कर दिया या फिर उसको निकाल दिया कि भैया आप अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहे हो तो उसका टेन््योर फिक्स किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वहाँ पर रखा जाए क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है बेटर वे से उन सिचुएशंस के साथ हैंडल कर सकते हैं दैन इज इनिशिएटिव इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए इट इज कंसर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लेन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर और अ वर्कर इनिशिएट करना किसी भी काम के लिए हिचकिचाना नहीं है इट मिनिमाइज द पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और द टास्क अब देखिए अगर कोई काम आपको असाइन किया गया है अगर उस काम को लेने के लिए करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो वो डिले डिले होता जाएगा ठीक है तो इनिशिएट लेना उस चीज के लिए पेन लेना वो जरूरी है देन इज एस्प्रिट डी क्रॉप्स दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू स्ट्रेंथ इन यूनिटी ठीक है हम कहते हैं यूनिटी इन इंटेग्रिटी एकता में ही बल है अगर आप एकजुट होकर जो भी सब स्टाफ काम कर रहा है सभी एक टीम की तरह काम करेंगे ठीक है टीम की तरह कॉपरेशन के साथ मिलजुल कर सैटिस्फैक्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के गोल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके एम्स हैं वो डेफिनेटली अचीव किए जा सकते हैं सो ये थे फ्रेंड्स इसके फोर्टीन के फोर्टीन प्रिंसिपल्स तो यहाँ पर हमारा ये आज का सेशन भी होता है कंप्लीट सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द इसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो भी मैं अपलोड कर पाऊँ सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन टिल दैन की वॉचिंग